नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSI ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के यहाँ पर महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज हम इस पेपर के जो है यहाँ पर आपको बताते हैं सामान्य ज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद है उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि एक पेशेवर जियो खिलाड़ी को यहाँ पर हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। C25K या फिर अल्फा को या फिर दोस्तों आप लोग का ओडिकियो या फिर ब्लू। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को इसका आंसर बताना है। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूँ क्वेश्चन नंबर जैसा कि यहाँ पर 51 आप लोगों को दिया गया है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आप लोग का बी वाला है, अल्फा को। ठीक है, तो एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम है अल्फा गो। इसके बाद ये रहा दोस्तों आज का सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। आप सभी को ये बताना है उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। सही जवाब होगा दोस्तों आप लोग का 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, तो ये हैं आप लोग के 80 क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, अब आपको बताना है यहाँ पर उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना ये किस फसल से संबंधित हैं, जौ, चावल, गेहूं या फिर मक्के से। तो सही जवाब है आप लोग का गेहूं से। ठीक है, तो उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना ये आप लोग के गेहूं फसल से संबंधित है। फिलहाल ये था 53 क्वेश्चन, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने 54। सर्व और बॉली शब्द ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, टेनिस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या फिर स्क्वाश। तो फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं 54 का सही जवाब है आप लोग का टेनिस। ठीक है, तो सर्व और बॉली ये शब्द जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोग का टेनिस से जुड़े हुए हैं। 54 का सही आंसर आप लोग का यहाँ से ए वाला होगा, टेनिस। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ या फिर कुंभकोणम। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सारे आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पेपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग इन परीक्षाओं से रिलेटेड जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से रिपीट हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ये होगा आपका सीवाला, बेलूर मठ। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है आपका बेलूर मठ में है, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। पाल वंश का पहला शासक कौन था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि पाल वंश का पहला आपका शासक कौन था। सही जवाब है आपका यहाँ पर गोपाल, तो गोपाल जो था ये पाल वंश का पहला शासक था। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने, अब आप सभी को बताना है भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं। दोस्तों भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं, 20, 22, 24 या फिर 18। फिलहाल सही जवाब है आप लोग का बी वाला, 22। ठीक है, करेक्ट आंसर तो क्या है आप लोग का, 22 प्रकार की फसलें। इसके बाद देखिए आप लोग का अगला प्रश्न ये रहा आप लोग का सामने, पूसा हाइब्रिड फोर्ट। दोस्तों पूसा हाइब्रिड फोर्ट ये किसकी संकर प्रजाति है। तो दोस्तों फिलहाल आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आप लोग का टमाटर, तो पूसा हाइब्रिड फोर ये आप लोग की टमाटर संकर की प्रजाति है। ये था 58 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो 59 का सही जवाब होगा आप लोग का उत्तराखंड। ठीक है, 59 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर फिलहाल आप लोग का होगा यहाँ से सी वाला, एस विजया लक्ष्मी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 61 में आपको क्या दिया गया है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया। सही जवाब होगा इसका आप लोगों का 1616 में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन यह आपका 1616 ईस्वी में शुरू किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर पे आपको देखिए क्या दिया गया है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस या फिर मातृ दिवस। तो 62 का जो राइट आंसर होगा फिलहाल आपका ये होगा आपका बी वाला, शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, तो भारत में 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आप लोग के सामने, मधुबनी कला प्रसिद्ध है दोस्तों तंजौर में, मिथिला, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर। सही जवाब है आप लोग का मिथिला। मधुबनी कला जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये आप लोग का मिथिला में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनगणना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। जैसा कि इस पेपर में आया था कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी, 1977 में, 1975 में, 1980 में या फिर 1965 में। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दें क्वेश्चन नंबर जो 64 आपको दिया गया है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आप लोग का यहाँ से ए वाला होगा, 1977 में। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो है ये आपकी 1977 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ये रहा आप लोग के सामने, 2006 से 2018 तक पेप्सिको के अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम बताना है आपको, शिखा शर्मा, इंदिरा न्यूई, विनीता वाली या फिर चंदा कोचर। तो फिलहाल 65 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका इंदिरा न्यूई। ठीक है, 2006 से 18 तक पेप्सिको की अध्यक्ष रहने वाली भारतीय महिला का नाम है यहाँ पर इंदिरा न्यूई। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है, SMTP, HTTP, FTP प्रोटोकॉल या फिर आप लोग का यहाँ पर POP प्रोटोकॉल। तो फिलहाल 66 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, ये है आप लोग का POP3। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए आपका POP3 प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद चलते हैं 67 प्रश्न पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिलहाल आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 67 आप सभी को दिया गया है ये है आप लोग का 1957 में। तो दोस्तों आप सभी याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी को आपके 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी क्योंकि सारे के सारे आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए ये तो था 67 क्वेश्चन, अब ये आप लोग के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खाद्य बाजार की, दोस्तों खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 68 आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए वाला, कृषि बाजार सूचना प्रणाली। सही जवाब होगा आपका कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों के द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दें 69 का जो करेक्ट आंसर है ये है आप लोग का चंदौली। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए, PV सिद्धू, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर करलम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ये आप लोग का है करलम मल्लेश्वरी। दोस्तों भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम यहाँ पर है करलम मल्लेश्वरी। चलिए फिलहाल अब आप सभी को यहाँ पर यह बताना है, आपको बता दें द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मोहनदास के गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। इन विच स्टेट इज द पैठन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है, इसका सही आंसर होगा आप लोग का यहाँ से डी वाला, आपका महाराष्ट्र। तो पैठन जल विद्युत परियोजना आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, अगस्त्य, चैम्बरा, अनाईमुडी या फिर आप लोग का बनासुरा। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है। 73 का जो राइट आंसर होगा यह होगा आपका अनाईमुडी। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, तो आप सभी को मैं बता दूं भारत में पिकासो के तौर पे जो है जाना जाता है यहाँ पर फिलहाल इसका सही जवाब है मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, नाम सभी लोग ध्यान रखिएगा, भारत में पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। 74 का राइट आंसर यहाँ पर ये होगा, तो इसे जो है भारत में पिकासो के तौर पर जाना जाता है।
अगला प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने, यदि एक त्रिभुज के सभी तीन आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम हो तो ये क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर जीएस में मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में तीनों आंतरिक कोण जो है 90 डिग्री से कम हो तो इसको समद्विबाहु कहेंगे, समकोण, अधिकोण या फिर न्यूनकोण। तो आपको बता दें फिलहाल इसको बोलेंगे आपका 75 का करेक्ट आंसर होगा न्यूनकोण, ठीक है ना। 75 का राइट आंसर आपका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूनकोण यानी कि एक्यूट एंगल। कभी भी अगर आपका ट्रायंगल दे रखा हो उसके तीनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो वो हमारा ट्रायंगल जो है एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द टोटल रूट पैरासाइट, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा पूर्णता जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पूर्णता जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर दिया गया ओरोवंचे, अमरवेल, नोरंथस या फिर साइप्रस। 76 का आपको बता दें करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आप लोग का ए वाला, ओरोम वंचे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ये आप लोग का ओरो वंचे। तो निम्न में से कौन सा पूर्णता जड़ परजीवी का एक उदाहरण है, तो ये आप लोग का ओरो वंचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 के बाद 77, एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। दोस्तों क्या आप लोग का एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, CMIBA, IAA या फिर NAA। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल 77 का सही जवाब होगा NAA। तो आप लोग का NAA एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। बात करें यदि हम लोग माइकोप्लाज्मा की, तो इसके कारण होने वाली बीमारी का पता करना है। बैगन का छोटा पत्ता, केले का गुच्छेदार सीड्स, पीली नस वाली मोजैक या फिर अनुवर्तक मोजैक, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में जो है कई बार पूछा जा चुका है कि माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। तो फिलहाल सही जवाब है इसका बैगन का छोटा पत्ता, ये जो है कारण यहाँ पर माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है। इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशक यानी कि आप लोग का हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। फिलहाल दोस्तों 79 का जो राइट आंसर ये आप लोग का है एट्राजीन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एट्राजीन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में आपको क्या दिया गया है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है। फिलहाल सही जवाब होगा इसका बी वाला, नागपुर में। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है। किसकी कमी के कारण फल चटकता या फिर फटकता है, आप लोग को बताना है, लोह, बोरोन, पोटाश या फिर जिंक। तो दोस्तों वो कौन सी तत्व की कमी के कारण यहाँ पर जो है जल जो है जो फल है आपका फ्रूट्स जो है वो चटकते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये, बोरॉन। दोस्तों जब फलों में जो है बोरान की जो कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसके कारण से फल जो होते हैं फट जाते हैं या फिर चटक जाते हैं, इस प्रकार से आपको दिखते होंगे। तो ये किसकी कमी के कारण ऐसा होता है, तो ये आप लोग का बोरॉन है। अब आप सभी को यहाँ पर पहचान करनी है, यहाँ पर दिया गया है स्टेम नोड्यूलेटिंग लेग्यूम की पहचान करनी है, आपको दिया गया है स्टेम नोड्यूलेटिंग लेग्यूम की पहचान करनी है। तो फिलहाल सही जवाब होगा 82 का आपका बी वाला, सेसबानिया एक्यूलेटी। क्या राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सेसबानिया एक्यूलेटी। अब देखते हैं क्वेश्चन 83 में आपको क्या दिया गया है, निम्बू वंश यानी कि साइट्रस में कैंकर रोग जो है किसके द्वारा फैलता है। तो सही जवाब होगा आप लोग का बैक्टीरिया के द्वारा। निम्बू वंश में कैंकर रोग जो है किसके द्वारा फैलता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों सही जवाब आप लोग का 1948 में। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये होगा आपका 1948 में। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तरल नाइट्रोजन में एक माइनस का यहाँ पर दे रखा है, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगों, कोशिका और ऊतकों को संरक्षित करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, कांचीकरण, क्रायो संरक्षण या फिर ऊतक संवर्धन या फिर जीन थेरेपी। तो फिलहाल 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ये है आप लोग का बी वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्रायो संरक्षण यानी कि आप लोग का क्रायो प्रिजर्वेशन। तो तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंगों, कोशिकाओं और टिश्यू को संरक्षित करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया, आलू में ब्लैक हल्ट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, आलू में ब्लैक हल्ट ये किसके कारण होता है, भंडारण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण, रोशनी की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण या फिर बोरोन की कमी के कारण। सही जवाब होगा आपका इसका सी वाला, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हल्ट रोग होता है।
आप देख सकते हैं क्वेश्चन 87 में क्या दे रखा है, खर पतवार फलारिस माइनर जो है ये किस प्रजाति कुल से संबंधित है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आप लोग का यहाँ पर ए वाला ग्रैमिनेसी। करेक्ट आंसर उसको क्या होगा फिलहाल ये होगा ग्रैमिनेसी। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था, 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आप लोग का है 1914 में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है, फिलहाल 89 का जो करेक्ट आंसर ये आप लोग का मनीला में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग का मनीला में स्थित है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 90 है आप लोग के सामने, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, आप लोग का आर ए फिशर या फिर आप लोग का पियर्सन या फिर दोस्तों आप लोग का बोडिंगटन या फिर ए एल बॉली। तो क्वेश्चन 90 की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ए वाला आर ए फिशर। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आर ए फिशर को। अब ये रहा दोस्तों क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एक अधिकार का उदाहरण है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एक अधिकार का एक उदाहरण है। तो फिलहाल 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डी वाला चाय बोर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एक अधिकार का एक उदाहरण है, तो ये आपका चाय बोर्ड है। अब आप सभी को यहाँ पर ये बताना है एक उपयोग, यदि उपयोग इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर 3 किलोग्राम कीटनाशक है और यहाँ पर 4 हेक्टेयर में छिड़काव करने के लिए रिमजिन यानी कि 80% WP का कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, आपको ये बताना है। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन 92 जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका सी वाला यानी कि 1.5 किलोग्राम की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें छिड़काव करने के लिए सिमजीन की 80% WP की 1.5 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी। हेरोइन जो कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, ये किससे प्राप्त होती है, धतूरा पोस्ता या फिर पेरीविंकल या फिर भाग से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये है आप लोग का पोस्ता से, जो आप लोग की हेरोइन होती है। ठीक है, अफीम ये आप लोग किससे प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है पोस्ता से। छिड़काव किए जाने वाले द्रव की सांद्रता की गणना करना है, जब यहाँ पर आपका 1 मोनोक्रोटोफॉस 36 SC, ठीक है ना, इसको 1000 में एक छिड़काव का द्रव बनाकर 2 हेक्टेयर मिर्च की फसल का उपयोग किया जाता है, तो फिलहाल इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका जो आंसर है ये होगा 94 का यहाँ से बी वाला 0.05%। गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, गन्ने के निचले 1/3 भाग से, ऊपरी 1/3 भाग से, मध्य 1/3 भाग से या फिर पार्श्व की कलियों से। 95 का करेक्ट आंसर फिलहाल होगा गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से। 96 क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने, कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है, कपास में स्टेम का उपयोग जो है निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। 96 का करेक्ट आंसर होगा चूसक कीट। ठीक है, 97 रहा आप लोग के सामने, तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है, तो 97 का करेक्ट आंसर दोस्तों फिलहाल आप लोगों का क्या होगा, ये होगा आपका सी वाला यहाँ से 3 से 5 किलोग्राम। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज का दर क्या है, तो दोस्तों ये है आप लोग का 3 से 5 किलोग्राम। क्वेश्चन 98 ये देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। 98 का करेक्ट आंसर फिलहाल आप सभी का यहाँ पर ये होगा डी वाला जाइगोग्रामा आप लोग का विकोलोराटा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है, तो दोस्तों किसकी है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। 99 का करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब है यहाँ पर फवारा। फवारा जो है लहरदार भूमि, ठीक है, ये दोस्तों फुवारा जो है लहरदार वाला, ये भूमि और रेतीली मिट्टी के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक रूप में किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलहाल आप सभी को बता दें ये आप लोग का करेक्ट आंसर है इसका 2,4-D। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर है फिलहाल 4-D। तो दोस्तों 2,4-D जो है हार्मोन्स का इस्तेमाल तृणनाशक रूप में किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSET की क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।